Come on.
श्री सूर्यदास पंडित जी के दोनों बेटियां श्री वसुधा देवी एवं श्री जाह्नवा देवी के साथ विवाह रचित हुआ और इसी स्थान पर श्री गौरीदास पंडित जी के प्रेम से श्री गौर एवं श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात श्री विग्रह के रूप में इस स्थान पर उपस्थित हैं। तो इसलिए हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम श्री गुरु वैष्णवों के नृत्य में इस स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरीदास पंडित जी के प्रेम से आकृष्ट होकर के श्री नवद्वीप धाम से जब वो शांतिपुर गए थे, शांतिपुर से ठीक जैसे हम लोगों ने नाव को पार करके कलना पहुंचा तो चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री नित्यानंद प्रभु के साथ नाव में बैठ करके शांतिपुर से कलना को पहुंचे। जिस नाव में और जिस वो तरणी को तरणी को लेकर के वो पार किया, वो तरणी को ले आए और ठीक वो इसके पहले हम लोग जिस पेड़ के नीचे वहां पर गए थे, परिक्रमा भी की, ठीक सबसे पहले श्री गौर नित्यानंद प्रभु उसी वृक्ष के नीचे आकर के उपस्थित हुए। श्री गौरीदास पंडित जी वहीं से उनको स्वागत किया, वहां कुछ समय के लिए श्री गौर नित्यानंद प्रभु विश्राम किए थे। तो वो श्री महाप्रभु का बैठक है। तो जब श्री गौरीदास पंडित जी के प्रेम से श्री गौर नित्यानंद प्रभु इस कलना नगरी में पहुंचे, श्री गौरीदास पंडित जी के प्रेम की प्रीति की कोई सीमा नहीं रही। इसी को कीर्तन के माध्यम से भी श्री गौरीदास पंडित जी ने व्यक्त किया है। श्री गौरीदास पंडित जी ने श्री गौर नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करके बड़े आनंदित हुए और दोनों की सेवा के लिए बड़े ही तत्पर हुए। दोनों को मतलब बिठाया, दोनों के पाद सम्मान की, चरणों को जल से धोया, पुष्पमाला दी, चंदन इत्यादि दी और विविध प्रकार के सत्कारों से श्री गौर नित्यानंद प्रभु की सेवा की। विविध प्रकार के व्यंजन इत्यादि बनाते हुए श्री गौरीदास पंडित जी ने श्री गौर नित्यानंद प्रभु को प्रसाद इत्यादि पवाया। इस प्रकार से श्री गौरीदास पंडित जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने मन से भरपूर श्री गौर नित्यानंद प्रभु की सेवा की। बाद में उन दोनों का विश्राम भी फिर कराया, पाद सम्मान भी फिर कराई। किंतु जब श्री गौर नित्यानंद प्रभु को वापस लौटने का समय उपस्थित हुआ, श्री गौरीदास पंडित जी से रहा नहीं गया। श्री गौरीदास पंडित जी ने कहा, प्रभु मत जाइए, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। तो तब उस समय श्री गौर नित्यानंद प्रभु ने ये विचार दिया कि जाना तो होगा। तो महाप्रभु ने कहा कि इसके लिए एक उपाय है, एक नीम के वृक्ष से बिल्कुल मेरे जैसे ही महाप्रभु की जो मूर्ति है, मेरे जैसे ही नित्यानंद प्रभु की जो मूर्ति है, नित्यानंद प्रभु जैसे ही बिल्कुल लाइफ साइज, मतलब जैसे दिखते हैं पूरा लाइफ साइज मूर्ति बनाया जाए। तुम एक काम करो, उन मूर्तियों की सेवा करो। इस प्रकार से महाप्रभु ने उपाय बतलाया और ठीक वैसे ही श्री विग्रह की फिर तैयारी की गई। किंतु जब जाने का समय हुआ, तब उस समय श्री गुरुदास पंडित जी ने थोड़ी सी चातुरी दिखाते हुए ये कहा कि श्री गौर नित्यानंद प्रभु से कहा कि आप लोग मत जाइए, ये विग्रह चलेगा। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है, हम लोग रह जाते हैं, ये विग्रह चले जाएंगे। किंतु क्या चमत्कार देखो, दोनों जो विग्रह हैं, जो कि गौर नित्यानंद प्रभु से भिन्न नहीं है, ये दोनों विग्रह महाप्रभु के कहने पर स्वयं साक्षात श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जो साक्षात जो स्वरूप है, उस स्वरूप में दोनों ही चल पड़े। तब उस समय श्री गौरीदास पंडित जी ने देखा, जो साक्षात श्री गौर नित्यानंद प्रभु है, वे शिव विग्रह के रूप में बन गए और जो शिव विग्रह के रूप में जो थे वो साक्षात बन के वो चल पड़े। तब श्री गौरीदास पंडित जी बिल्कुल संकट में आ गए, मैं
किसको रहने के लिए बोला, किसको जाने के लिए बोला, तब वे दौड़ के गए और जो दोनों जो विग्रह हैं उन विग्रहों से कहा आप लोग रह जाओ, रह जाओ, जो विग्रह के रूप में जो बन गए हैं वे चले जाएं। इस प्रकार से श्री गुरुदास पंडित जी बिल्कुल संकट में पड़ गए थे कि मैं किसको भेजूं और किसको रखूं, और चारों को वो बिठा करके गुरुदास पंडित जी ने चारों की सेवा की। तब उसके बाद महाप्रभु ने कहा कि मेरे और इस विग्रह में कोई भेद नहीं है, मैं ही ये विग्रह हूं। इस सिद्धांत को, इस तत्व को जगत को दिखलाने के लिए महाप्रभु ने ये सुंदर ये लीला प्रकाशित की। उसके बाद महाप्रभु नित्यानंद को चल पड़े और जो साक्षात विग्रह के रूप में वर्तमान इस समय तक भी जो विराजमान है ये वही श्री गौर नित्यानंद प्रभु है। साक्षात जैसे दिखते थे वैसे ही उसी स्वरूप में, उसी साइज में, उसी आकार में ये दोनों इस समय भी हम जैसे बद्ध जीवों को दर्शन दे रहे हैं। श्री गोविंददास पंडित जी का प्रेम का ये लक्षण है कि उन्होंने श्री गौर नित्यानंद प्रभु को प्रेम से यहाँ बुलाया, उनकी सेवा की और नित्य काल के लिए क्या किया, अपने घर में श्री गौर नित्यानंद प्रभु को बांध के रख दिया कि कभी वो जा ना पाए। इस प्रकार से श्री गौरदास पंडित जी का बड़े ही परमात्भुत ये लीला है। श्री गौरदास पंडित जी साधारण नहीं है, वे व्रज लीला में सुबल सका है जो कृष्ण के प्रिय नर्म सकाओं में श्रेष्ठ है। तभी ये कीर्तन में उन्होंने महाप्रभु के अंतरंग भाव को उन्होंने व्यक्त किया, क्योंकि श्री कृष्ण के जो प्रिय नर्म सका है उनको श्री कृष्ण के माधुर्य रसोचित लीला उनको जानकारी है, क्योंकि कृष्ण उन सबसे विशेष रूप से शेयर करते हैं। तो इसीलिए सुबल सका को कृष्ण के अंतरंग भाव मालूम है, इसीलिए श्री गुरुदास पंडित जी ने भी चैतन्य महाप्रभु के ये जो अंतरंग जो भाव है, क्या कीर्तन में जो कहा अभी, राधिका अनुराग प्रेम भक्ति वांछा जी गुरे, ये सबको नहीं पता, केवल किसी किसी विशेष 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 भक्तों को ही महाप्रभु के ये आंतरिक भाव मालूम है। तो इसीलिए श्री गुरुदास पंडित जी कोई साधारण नहीं, सुबल सका है। याद होगा आपको राधाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के दिन इसी सुबल सका को श्री राधा जी के रूप में सजाया जाता है और राधा कृष्ण का मिलन बड़े सुंदर रूप से कराया जाता है। तो इसीलिए श्री गौरीदास पंडित जी श्री राधा कृष्ण की महाप्रभु के अंतरंग भाव को ये जानते हैं। इनकी समाधि वृंदावन में धीर समीर में प्राप्त है। तो इसीलिए श्री गौरीदास पंडित जी की विशेष कृपा होगी यदि हम लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु के ये निगूढ़ भाव और ये जो प्रेम जो है ये प्रेम को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग श्री गौरदास पंडित जी के, श्री सूर्यदास पंडित जी जो इसके पीछे हैं उनके चरणों में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वे कभी न कभी महाप्रभु के इस प्रेम जो पहाड़ में हमको भी एक चीटा फूटा भी हमको प्रदान करें, जीवन को धन्य करें। श्री गौरदास पंडित जी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्री सूर्यदास पंडित जी की जय, श्री जाह्नवा वसुधा देवी की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री गुरुपाद पद्म के और पूज्यपाद महाराज जी के अनुगत्य में श्री नवदीप धाम श्री गौड़ मंडल की परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं उसका संक्षिप्त वर्णन अभी हम लोगों ने प्रभु जी के मुख से सुना।
करना। शास्त्रों में बड़ी अच्छी बात बतलाई गई है, शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी बात बतलाई गई है कि भगवान के भक्तों का एक गुण है, सुनना बात को ध्यान से। शास्त्र कहते हैं भगवान के भक्तों का एक गुण है, प्रणय रसनायाम घृतांगरी पद्मा सा भक्ति भागवत प्रधान युक्ता। भक्त किसको कहते हैं, वास्तव में भक्त कौन है? कहते प्रणय रसनायाम घृतांगरी पद्मा सा भक्ति भागवत प्रधान युक्ता। जिन्होंने अपने प्रणय, अपने प्रेम रूपी रस्सी से, जिन्होंने अपनी प्रेम रूपी रस्सी से भगवान को अपने हृदय में बांध करके रख दिया है, प्रणय रसनायाम घृतांगरी पद्मा सा भक्ति भागवत प्रधान युक्ता, उनको भगवान का श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। जिन्होंने अपने प्रेम रूपी रस्सी से भगवान को बांध करके अपने हृदय में रख दिया है। जब हम इस स्थान पर आते हैं तो हमको स्वाभाविक रूप में इस विचार की परिपुष्टि होती है। अभी हम लोगों ने सुना श्री गौरीदास पंडित जी ने अपने प्रेम रूपी रस्सी से श्री गौर नित्यानंद प्रभु जी को इस स्थान पर नित्य बांध करके रख दिया है। और एक बड़ी विशेष बात, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे हम लोग नवदीप धाम की परिक्रमा करने आए हैं, 5 दिन 7 दिन की परिक्रमा करेंगे। गुरु जी कहते थे जिस स्थान पर हम लोग जाएंगे, अभी हम इस स्थान पर आए हैं, ये गौरीदास पंडित जी का स्थान है, तो गुरु महाराज जी कहते थे श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमको बतलाया है कि परिक्रमा करने की विधि क्या है, परिक्रमा करने का नियम क्या है। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी बतलाते हैं, कबे धामवासी जने प्रणति करिया मांगी वो कृपा रमेश, श्री गुरु चरण रेणु गाय माखी धरी अवधूत वेश। वो कहते कब मेरा ऐसा दिन आएगा जब मैं धामवासियों के निकट में जाकर के उनसे कृपा का एक लेश मांगूंगा। तो ये वास्तव में धामवासी है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे हम नवदीप मंडल के एक स्थान पर जाएंगे, जो वहां के नित्य धामवासी हैं उनके निकट में जाकर के हम उनसे कृपा का एक कण मांगेंगे। तो अभी हम किस स्थान पर आए हैं, गौरीदास पंडित जी के स्थान पर। हम इनसे कृपा का एक कण तो मांगेंगे, किंतु उसके साथ साथ में अभी जो हमने कीर्तन किया, गौरीदास पंडित जी कौन है, अभी जैसा हम सुन रहे थे ब्रज के प्रिय नर्म सुबल सखा है, जो श्री राधा कृष्ण के मिलन में बड़ी ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब कृष्ण को राधा जी से विरह होता है और राधा जी को कृष्ण के साथ अभिसार करने में, मिलने में जटिला कुटिला बड़ी बाधा देती है, तो ये सुबल सखा जो है वो राधा जी का वेश धारण करके नाना प्रकार से कभी बछड़े को ले जाते हैं अपने साथ में और अपना बछड़ा छोड़ देते हैं राधा जी के जो ससुराल है जावट में, वहां पर गौशाला में अपना बछड़ा छोड़ देते हैं और जटिला कुटिला से कहते हैं भैया मेरा बछड़ा भीतर चला गया, मुझको अपना बछड़ा ले जाने दो। और वो जब बछड़ा ले जाने के लिए उनको भीतर में प्रवेश करने देती हैं तो सुबल सखा जी जो है उनका रूप राधा जी के जैसा है। अब इसी से ही हम अनुमान लगाते वो कितने प्रिय होंगे कृष्ण को, तो वो राधा जी का रूप संपूर्ण रूप में स्त्री वेश धारण करके और बछड़े को अपने वक्ष स्थल पर रख करके बाहर भी खुद स्वयं तो भीतर बैठ जाते और राधा जी को बाहर भेज देते। इस प्रकार बड़े नाना प्रकार के उपायों से वो श्री राधा कृष्ण का अभिसार कराते हैं। इतने प्रिय ये सुबल सखा है। वही सुबल सखा जी गौरीदास पंडित जी के रूप में इस स्थान पर विराजमान है, नित्य विराजमान, और उन्हीं के प्रेम से बंध करके श्री गौर नित्यानंद प्रभु। इसलिए हमारे रूपानंद गुरुवर कहते हैं कि यदि किसी को साक्षात रूप में गौर नित्यानंद प्रभु का दर्शन करना है तो वो अभी भी श्री गौरीदास पंडित जी के इस स्थान पर वो विराजमान है। हम लोगों ने इस लीला को सुन लिया। देखिए सुनने की एक बात और भी है, क्या प्रार्थना करेंगे गौरीदास पंडित जी के चरणों में, राधिकानुराग प्रेम भक्ति वांछा ये करें। ये प्रार्थना देकर के जाएंगे हम कि हम आपके चरणों में आए हैं, सर्वप्रथम तो आप नित्य धामवासी हैं, तो आपके चरणों की हम एक कण को, आपकी कृपा को हम प्राप्त करने के लिए आए हैं। साथ साथ हम क्या मांगेंगे, जो भाव हमको हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने दिया, साधन भजन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, श्रीमती राधिका के चरणों की एक किंक रिपाल्य दासी होना। हम लोग उसी भाव की पुष्टि के लिए श्री गौरीदास पंडित जी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आप हमको राधिकानुराग प्रेम भक्ति वांछा जे करे। राधा जी के चरणों में अनुराग प्रेम भक्ति की वांछा लेकर के हम आपके निकट में आए हैं, आप हमारी इस वांछा को पूर्ण कर दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर महाप्रभु जी ने इस स्थान पर एक बड़े ही सुदृढ़ सिद्धांत की भी स्थापना की है। शास्त्र में बतलाया
शास्त्र में एक बड़े सुंदर विचार को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस स्थान पर आकर के पुष्ट किया है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेदनाई, तीन चिदानंद रूप। भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप और भगवान का श्री विग्रह, ये तीनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। ये तीनों क्या, तीनों क्या है? चिदानंद स्वरूप। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, कैसी भावना श्री चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय में होती थी। दो प्रकार से महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। किसी किसी समय तो उनको केवल जगन्नाथ जी का दर्शन होता था ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में, उस समय वो ब्रज के भाव में डूब जाते। और जब उनको जगन्नाथ जी के साथ में बलदेव जी और सुभद्रा जी का भी दर्शन होता तो महाप्रभु जी राधा जी के विरह में कातर होकर किस प्रकार दर्शन करते। तबे जानी आइलाम कुरुक्षेत्रे, जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्रे। सफल होइलो जीवन, देखी लू पद्म लोचन, जुड़ाई लू तनु मन नेत्रे। उस समय महाप्रभु जी का जो विरह भाव होता था राधा जी के विरह में डूबकर, महाप्रभु जी क्या दर्शन करते थे, मैं कुरुक्षेत्र में आ गया। किंतु जब महाप्रभु जी ब्रज के भाव में डूबे होते तो उनको कृष्ण का स्वरूप जगन्नाथ जी किस प्रकार दिखलाई देते। जगन्नाथ ने देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, उनको साक्षात जगन्नाथ जी ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दिखलाई देते। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का रूप स्वरूप और भगवान का श्री विग्रह, इनमें कोई भेद नहीं है। हमारे परम गुरु जी इस विषय में बड़ी सुंदर एक छोटी सी कथा बतलाते थे। गौर देश से, बंगाल से दो ब्राह्मण लोग, एक वृद्ध और एक युवा, तीर्थ दर्शन करने के लिए गए। हम लोगों ने उस स्थान का दर्शन भी किया, साक्षी गोपाल जी का दर्शन किया जगन्नाथपुरी में। इस कथा को हमारे परम गुरु जी बड़े विशेष रूप में बतलाते थे कि गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके जो श्री विग्रह हैं उनका क्या वैशिष्ट्य है। जो गौड़ीय वैष्णव जिस श्री विग्रह की उपासना करते वो साधारण श्री विग्रह नहीं है। वो विग्रह कहां से प्रकट होते हैं? वेदांत सूत्र सुना किसी ने? वेदांत सूत्र क्या है सुना कभी किसी ने? सुना ही नहीं होगा, बहुत सारों ने तो सुनना ध्यान से। वेदांत सूत्र में एक सूत्र है, ना प्रतीके ना ही सा। क्या सूत्र है सुन लो दोबारा, क्या सूत्र है? ना प्रतीके ना ही सा। और मायावादी लोग जो ये कहते हैं ना भगवान का रूप नहीं है, भगवान की लीला नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, वो इस सूत्र को लेकर के कहते हैं ना प्रतीके ना ही सा। प्रतीक अर्थात मूर्ति की उपासना करने से भगवान नहीं मिलेंगे, मायावादी लोग ऐसा कहते हैं, प्रतीक की उपासना करने से भगवान नहीं मिलेंगे। किंतु हमारे परम गुरु जी इस सूत्र की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कहते थे ना प्रतीके ना ही। प्रतीक की उपासना करने से भगवान नहीं मिलेंगे, किंतु ना प्रतीके ना ही सा। सूत्र के अंत में एक शब्द क्या है समझ लेना ध्यान से, सूत्र के अंत में एक शब्द क्या है सा। प्रतीक की उपासना, कल्पित मूर्ति, जो लोग ये समझते हैं भगवान का विग्रह और भगवान में भेद है, जो ये समझते हैं उनका विग्रह नित्य विग्रह नहीं है, ऐसी मूर्ति की उपासना करने से भगवान नहीं मिलेंगे। किंतु जो लोग ये मानते हैं, जिनका ये विचार है, जिनकी ये श्रद्धा है कि भगवान का विग्रह और भगवान का रूप एक ही वस्तु है, उसमें कोई भेद नहीं है, ऐसे लोगों को ना प्रतीके ना ही सा, ऐसे श्री विग्रह की उपासना करने से भगवान अवश्य मिलेंगे। क्यों? ऐसे श्री विग्रह कहां से प्रकाशित होते हैं? अभी इस स्थान पर हम आए, इतने सुंदर विग्रह का दर्शन किए, कैसे प्रकट हुए? बाह्य दृष्टिकोण से तो हम देख रहे हैं, महाप्रभु जी ने आदेश दिया नीम के पेड़ से लकड़ी लाओ, उससे हमारे विग्रह बनाओ। किंतु वास्तव में विग्रह कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बतलाया, प्रेमांजन छुरीता भक्ति विलोचन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भक्त लोग जो है भगवान के, वो अपने प्रेम से परिपूर्ण नेत्रों में, भक्ति से परिपूर्ण नेत्रों में प्रेम रूपी अंजल लगा करके कृष्ण के जिस रूप का दर्शन करते अपने हृदय में, उसको ही वो जगत जीवों के कल्याण के लिए प्रकाशित करते हैं। इसलिए भक्त लोग जिन विग्रह की उपासना करते हैं उन विग्रह का बड़ा विशेष वैशिष्ट है, वो नित्य विग्रह है। इसलिए मायावादी लोगों के विग्रह और भक्त लोगों के विग्रह, जो सविशेषवादी है, जो गौड़ीय वैष्णव है, वो जिस विग्रह की उपासना करते हैं उन विग्रह का बड़ा विशेष वैशिष्ट है। इसलिए परम गुरु जी बतलाते थे वो दो ब्राह्मण गए तीर्थ दर्शन करने, छोटे ब्राह्मण ने जो युवा थे उन्होंने, जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनकी बड़ी सेवा की और बड़ी सेवा करके उनको प्रसन्न कर दिया। तो जो वृद्ध थे बूढ़े ब्राह्मण थे उन्होंने वचन दे दिया छोटे ब्राह्मण को, मैं अपनी कन्या तुमको दान दे दूंगा। किंतु वो थे ऊंची जाति के ब्राह्मण और जो छोटे ब्राह्मण थे युवा वो थे नीची जाति के ब्राह्मण। उन्होंने कहा देखो आप अभी तो कह रहे हो अपनी कन्या दे दोगे, घर में जाकर के आप मना कर दोगे।
तो आप साक्षी दे दो। तो कृष्ण थे गोपाल जी, जो साक्षी गोपाल जी वो पहले थे वृंदावन में। तो छोटे विप्र ने कहा, छोटे ब्राह्मण ने कहा, इनके सामने साक्षी दे दो कि मैं अवश्य ही कन्यादान दूंगा। बूढ़े ब्राह्मण ने साक्षी दे दी। अभी जब अपने स्थान पर पहुंचे और उन्होंने प्रस्ताव दिया अपने घर में जाकर, भैया इस छोटे ब्राह्मण ने मेरी बड़ी सहायता की तीर्थ दर्शन करने में, मैंने इनको वचन दिया था अपनी पुत्री दान कर दूंगा। तो उनके जो पुत्र थे, जो ऊंची जाति के ब्राह्मण थे, वो रुष्ट हो गए। ये छोटी जाति का ब्राह्मण निर्धन, इसको कैसे अपनी पुत्री दे देंगे। अभी उन्होंने छल बल करके निषेध कर दिया, हम नहीं देंगे पुत्री। छोटा विप्र बड़ा दुखी हुआ, पंचायत बिठा दी और पंचों से उन्होंने बतला दिया, ग्राम के बड़े बड़े लोगों को बुला लाए, उनसे कह दिया आकर के, क्या कि ये बूढ़े विप्र ने मुझको वचन दिया था अपनी कन्या दान दूंगा, किंतु कन्या दान देते नहीं। तो सबने पूछा कोई साक्षी है, उन्होंने कहा हाँ, वृंदावन में साक्षी दी थी। किसने? गोपाल जी ने। तो जो बूढ़े ब्राह्मण के पुत्र थे वो तो प्रसन्न हो गए, अरे मूर्ति भी कभी साक्षी देने आएगी, भगवान का बिगड़े का भी साक्षी देने आएगा। उन्होंने कहा अच्छा, यदि गोपाल आकर के साक्षी दे देंगे तो क्या होगा, हम अपनी कन्या दे देंगे। अभी छोटे विप्र के मन में सुदृढ़ विश्वास था, वो पहुंच गए कहां, वृंदावन, और कृष्ण के बिगड़े के आगे जा हाथ जोड़कर कहते, देखो मैंने तुम्हारे सामने साक्षी ली थी, कन्या दान दूंगा, तुम साक्षी हो, मेरे साथ में चलकर के साक्षी दो। कृष्ण ने पूछा, कृष्ण ने साक्षात बिगड़े ने पूछा ब्राह्मण से, अरे तुमने सुना है कभी के कृष्ण का बिगड़े, हमारा जो ये बिगड़े है ये जाकर के कहीं साक्षी देता है? छोटा ब्राह्मण बड़ा चतुर थे, उन्होंने उत्तर दिया, आपने कभी सुना है बिगड़े बातचीत करते हैं? आपने कभी सुना बिगड़े बातचीत करते? तो कृष्ण तो चुप हो गए, अभी कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा जब आप बातचीत कर सकते हो तो चल के साक्षी भी दे सकते हो। कृष्ण गए जगन्नाथपुरी तक साक्षी देने के लिए, और आज भी मार्ग में वहां साक्षी गोपाल जी का साक्षात रूप में दर्शन होता है। इसलिए महाप्रभु जी ने गौरीदास पंडित जी के माध्यम से बड़े सुंदर सुंदर तत्व इस स्थान पर स्थापित किए, हम लोग बड़े भाग्यवान है। गौरीदास पंडित जी के चरणों में हम ये प्रार्थना करेंगे, उनके शिष्य थे हृदय चैतन्य जी, उनकी कथा को हम लोग अभी पूज्यपाद महाराज जी के मुख से सुनेंगे। इसलिए हृदय की प्रार्थना देकर जाएंगे गौरीदास पंडित जी के चरणों में। क्या प्रार्थना देकर जाएंगे? राधिका अनुराग प्रेम भक्ति वांछा जे करे, हमारे गुरु जी ने जो हमको भाव दिया है आप कृपा पूर्वक हमको वो भाव प्रदान कर दीजिए। वो श्रीमती राधिका जी के चरणों की जो प्रेम भक्ति है उसका एक कणा आप हमको दे दीजिए, हमारी ये परिक्रमा सफल हो जाएगी। गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे बोल। मैं जो बोलना चाहता था प्रभु सब बोल दिए। हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं इसका नाम अंबिका कालना। स्थान का नाम अंबिका कालना क्यों पड़ा है? उसको अंबिका कालना उसको नाम क्यों पड़ा है? हम लोगों ने श्रवण किया जिस समय श्री गौरदास पंडित यहाँ पर रहते थे, जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, हम लोग ने श्रवण किया है वो कृष्ण लीला में सुबल सकाते, जो देखने में राधा रानी जैसे, इसलिए कभी कभी राधा रानी का रूप धारण करते हुए कभी कभी कृष्ण लीला में उन्होंने बहुत कुछ मदद किया है, हैं? इसलिए सुबल सका राधा रानी बन करके जावट में रह जाती थी और राधा रानी वहां से चली जाती थी। जा करके कृष्ण सुबल सखा को भेजे थे, बोले जाओ राधा रानी के बगैर आज मैं जीवन धारण नहीं कर सकता, किसी तरह से राधा रानी को जाओ। और सुबल सखा क्या करता था, अंदर में बछड़ा घूम गया बोल करके अंदर में घुस जाता था और राधा रानी को बोलते चल चल मेरे रूप को धारण कर लो। राधा रानी का रूप सुबल और सुबल का रूप राधा रानी धारण कर लेती थी और राधा रानी सुबल बन करके अपना हाथों में बछड़े को लेकर आ जाती थी। तब आकर के राधा रानी कहती है, कहते मैंने बहुत कोशिश की। क्या कोशिश की? राधा रानी को लाने के लिए, राधा रानी खुद कहती है, लेकिन किसी तरह से राधा रानी को मैं ला नहीं पाया। कृष्ण इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, राधा रानी को नहीं ला पाया, बोले नहीं। लेकिन जब बछड़े को नीचे उतार देते हैं ना, फिर देखते हैं वे कौन है, श्री राधा रानी। इसलिए ये प्रिय नर्म सखा है, ये प्रिय नर्म जो सखा है, कभी ये श्रृंगार रस में, कभी कभी श्रृंगार रस में उनको कृष्ण जो वस्त्र हरण किया है उनको साथ में, ये प्रिय धर्म सखा लोग थे। इसलिए ये जब यहाँ पर अब पता है दोस्तों के साथ में कितने मित्रता थे, दोस्तों के साथ में कितने मित्रता, यहाँ पर किसी तरह से जब महाप्रभु को जाने नहीं दिया,
यहाँ पर बोलते थे आज हम भोजन नहीं करेंगे, हम तुमको बोलते हैं तुम वृद्ध हो गए थोड़ा कम बनाओ, लेकिन इतने तरह का क्यों बनाते हो? लेकिन बोले आज खा लो फिर कल नहीं बनाऊंगा। फिर जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ से जाने के लिए तैयारी हुए, रोने लग जाते थे, बोले नहीं आज रुक जाओ फिर कल जाना। लेकिन जब फिर कल हो जाता है ना, फिर क्या करते, बोले ना ना फिर कल जाना। इसलिए स्थान का नाम पड़ गया काल ना, कल मतलब कल, बोले कल जाना। लेकिन जब कल हो जाता है ना फिर कहते हैं ना, इसलिए स्थान का नाम क्या पड़ेगा, काल ना नाम पड़ेगा, ये स्थान का नाम है। अब यहाँ प्रश्न है, हाँ देखो यहाँ पर और एक चीज देखोगे, यहाँ जो ठाकुर का ना आपको डायरेक्ट आपको दर्शन नहीं दे रहे, दे रहे बंद है ना, खोल देते हैं फिर बंद कर देते हैं, खोल देते हैं बंद कर देते हैं। केवल आप देखोगे हमारे भारत में ये दो जगह में ये झांकी दर्शन होता है, बताओ तो कहाँ कहाँ पर? बाबा सब आप पंडित लोग रहते हैं, केवल ये दो जगह में ये झांकी दर्शन होता है। बोले ये दो जगह में कभी, ये दो जगह में क्यों झांकी दर्शन होता है? ये वाक्य भी है नहीं, कभी किसी प्रेम भक्त ने उनको आंखों में आंखों मिला करके, प्रेम कब होता है? पहले प्रेम, आंखों से पहले प्रेम शुरू होता है, है? इसलिए कहते हैं आंख ही बात करती है, इसलिए आंखों से आंख मिलाना तभी ये प्रेम होता है। इसलिए कभी वाक्य भी है, कभी एक भक्त ने लेकर भाग गए थे, लेकर भाग गए थे, उनको सवेरे देखा ठाकुर जी है नहीं, भाई ठाकुर जी कहाँ गए? मतलब कल कोई एक भक्त आकर के ठाकुर जी के सामने खूब रो रहे थे, लगता है ठाकुर तो बड़े प्रेम लगता है उनको साथ में, सचमुच से देखा ठाकुर को बैलगाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं, फिर वहां से वापस लाए। कहते ये ठाकुर भी ऐसे ही, इनका जो शिष्य था उनका नाम था हृदय चैतन्य, इनका नाम था पहले चैतन्य नाम था। जब महाप्रभु का जन्म तिथि आए, नियम है देखो ध्यान देख रहे, जब कोई कृष्ण का जन्मोत्सव, राधारानी का जन्मोत्सव, महाप्रभु का जन्मोत्सव, कोई विशेष विशेष संतों का जो जन्मोत्सव होता है, नियम है रोज रोज ठाकुर को जो चीज बनाते हो खाने के लिए उसी दिन विशेष करके कुछ खाना बनाओ, रोज नियम, नहीं तो अपराध लग गया। उसी दिन जैसे तुम्हारे बच्चे का बर्थडे हो, क्या नहीं करते हो, सारी दुनिया करते हो, है? जो बच्चे दो दिन बाद में बहू आ जाए ना, कान में ऐसे मंत्र देती है, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब है, जब उसी के लिए इतना करते हो, इसलिए ठाकुर जी के लिए क्या करती चाहिए, जो तिथि आए विशेष करके उस दिन ठाकुर को विशेष उनको भोग लगाओ, ठाकुर का श्रृंगार करो, है? अभी गौरदास पंडित किसी काम में बाहर गए हुए, उन्होंने देखा गुरु जी आ नहीं रहे, क्या करे क्या करे, उन्होंने वैष्णवों को बुला करके यहाँ पर उत्सव कीर्तन कराया करते थे, लेकिन जब देखा गुरु जी आ नहीं रहे अभी क्या करनी चाहिए, तो उन्होंने वैष्णवों को बुला करके यहाँ पर कीर्तन कराया, गुरु जी हटाता आ गए। गुरु जी ने कहा भैया मैं तो तुमको बताया नहीं, लोगों को भक्तों को बुला करके यहाँ पर कीर्तन करने के लिए मैंने कब बताया, तुम्हें बताया था ही नहीं, तुमने बगैर आदेश से तुमने बुला के आज किया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो जब तक गुरु जी का आदेश नहीं हो ना कोई काम नहीं करनी चाहिए, ये लोग शिक्षा के लिए, बोले यहाँ से घर से तो निकल जा, घर से तो निकल जा, फिर वो निकल गए। जब निकल गए अभी जो गंगा किनारे पार हुआ वो वहीं पर गए, और वहीं पर जब गए, जब गुरु जी सबेर मंदिर खोला ना, देखा ठाकुर जी है ही नहीं, फिर भी ठाकुर नित्यानंद महाप्रभु यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर भैया ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते डंडे लेकर ढूंढने के लिए सका है ना, डंडे लेकर कोई गए कहाँ यहाँ से नित्यानंद महाप्रभु, डंडे लेकर गए, देखा श्री है गंगा किनारा में, वहां तो सारे वैष्णव लोग और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जो विग्रह दर्शन कर रहे हो, ये साक्षात रूप में वहां नृत्य कीर्तन हो रहे थे, सबके सब भगवान का कीर्तन में निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, वहां पर नृत्य कीर्तन चल रहा था। लेकिन जब देखा सुबह हमारे ये गौरदास पंडित लठिया लेकर के आए, दोस्त लगते है ना, इसको देख करके महाप्रभु नित्यानंद तो डर गए, डर के तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा चैतन्य को हृदय में देखते देखते इसका हृदय में ही प्रवेश कर गए, हैं प्रवेश कर गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य, उनका शिष्य का नाम पड़ गया, हैं इसलिए ठाकुर जी, इसलिए यहाँ पर बारंबार दर्शन खोलते बंद करते हैं, कारण यही है। फिर ठाकुर को कोई एक नजर से देख करके फिर ठाकुर जी उनको साथ में भाग नहीं जाए, इसलिए यहाँ पर उनको ठाकुर जी को यहाँ पर आप पद खोलते हैं और ये करते हैं। अभी आप लोगों ने सुना है, अभी प्रश्न यहाँ पर आता है, भैया हमारे घर में भी तो ठाकुर है, फिर हम इतना कष्ट करके कितना घाटा लगा बस में आने के लिए, हम लोग तो पता नहीं कोई बंगाल कोई बिहार कोई उड़ीसा कोई विदेश कोई ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कितने कितने दूर से आए,
भैया तुम्हारे घर में तो ठाकुर है, घर में ठाकुर है कि नहीं? फिर इतना दूर आए थे लेकिन यहाँ पर कोई कोई लोग सोचते हैं पता नहीं बाबा लोग हमें पीछे पीछे घुमा रहे बिना कारण से, हम बिना कारण से खुद पागल, हमें भी पागल बना रहे हैं। ये धूप में सबेर से शायद कभी भोजन भी नहीं किए होंगे, इसलिए बता नहीं ये लोग हमें अपने जैसे पागल जैसे हम घुमा रहे हैं, खुद भी पागल घुसना भी पागल न थे। यहाँ प्रश्न होता है ना, फिर हम ये ठाकुर को दर्शन करने के लिए फिर क्यों आए, कारण क्या है? इसलिए हमारे वेद में बताया जति महत भी प्रतिष्ठितम, वह विग्रह को उतना ही महत्व है जिस विग्रह को जितने बड़े महापुरुष को द्वारा स्थापित की गई। इसलिए आपका घर में भी ठाकुर, बाकी बिहारी क्यों देखने जाते हो, गोविंद देव क्यों जाते हो दर्शन करने के लिए? कारण है वो स्वयं जिन्होंने कृष्ण दर्शन किया है उन्होंने ही वो ठाकुर जी को स्थापन किया है। इसलिए ठाकुर क्यों स्थापन कहते हैं, अपना जो हृदय की देवता को ही, हृदय में तो कभी कभी ठाकुर जी दर्शन देते हैं लेकिन वही जो दर्शन करते उसको डायरेक्ट रूप में स्थापन करते हैं। जब वो ठाकुर का हम दर्शन करते हैं संत उनके ठाकुर का उद्दीपना होता है। इसलिए ये जो ठाकुर जी आप लोगों ने सुना है ना, जब उन्होंने लकड़ी की नीम लकड़ी के ठाकुर बनाए, बना करके अभी चार हो गए महाप्रभु दो नित्यानंद नीम का, अभी बोले वो कह रहे हैं बताओ किसको तुम रखना चाहते हो, बताओ, बोले आप ही रहो, ये नीम ठाकुर से नीम का लकड़ी का ठाकुर क्या क्या जरूरत है, आप स्वयं जो बोले ना वो जो नीम का जो दो लकड़ी में जो ठाकुर बनाए थे वो दोनों ठाकुर चलना शुरू कर दिया। फिर देखा ये क्या हुआ, ये तो ठाकुर जैसे तैसे स्टैचू बन गए और जो नीम का ठाकुर था वो जा रहे। फिर उन्होंने भागते भागते बोले कहाँ जा रहे हो, बोले हम रह गए ना, बोले नहीं नहीं आप ही रहो उनको जाने दो। फिर जब उनको रोके ना फिर ये दोनों ठाकुर फिर दोनों ठाकुर चलना शुरू कर दिया। लास्ट में यहाँ पर कौन रुक गए, स्वयं नित्यानंद महाप्रभु दोनों ही यहाँ पर रुक गए। इसलिए गुरुदेव के साथ में हम एक बार आए थे, गुरु जी कहते थे हम तो अभी तक नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का दर्शन नहीं किया है, दर्शन नहीं किया, गुरुदेव कहते थे लेकिन आप जब ये ठाकुर का दर्शन करोगे साक्षात रूप में, गुरु जी कहते थे ये ठाकुर का दर्शन करोगे तो साक्षात रूप में महाप्रभु और नित्यानंद का दर्शन का फल आपको डायरेक्ट फल प्राप्त होगा। ये गुरु जी ये बात को स्वयं कहते थे। इसलिए आज हम जो ये विग्रह दर्शन कर रहे हैं है? इसलिए इनका नाम है विग्रह। विग्रह इनका नाम क्यों, बी मतलब होता है विशेष पूर्वक, ग्रह मतलब होता है भक्तों का सेवा को जो विशेष पूर्वक ग्रहण करते हैं। कहते ठाकुर जी रूप में आए क्यों, कारण क्या है? पुराण में कथा आती है एक समय नारद जी मध्य जगत में आए और घर घर में गए, सबसे पूछे ठीक ठाक हो, सबका मुंडी हिलाए, लेकिन जब अंदर की बात पूछे ना देखा संसार में कोई भी ठीक नहीं, सब रंग सबके, कोई राय ही नहीं, सबके सब रंग है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी दुखी, दुनिया में किसी को सुखी नहीं देखा। इतने में नारद जी वैकुंठ में गए, देखा ठाकुर जी अनंत नागवर सहन कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी और वहां पर शांत आगार और भुजग सहन देवता स्तुति कर रहे हैं और भगवान मीठी मीठी मुस्कुरा रहे। नारद जी बोले प्रभु दुनिया को अपने बनाया और दुनिया को बना करके सब दुख दुख में मर रहे हैं, हैं? अपने खुद कह दिया दुखालय असास्वतम, ये दुख का घर है और यहाँ पर आनंद ले रहे हो लक्ष्मी को लेकर के और दुनिया को दुखी दुखी करके डाल दिया। तब इतने में बोले बताओ क्या करनी चाहिए, बोले प्रभु हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से सुखी होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति नहीं मिली, मंदोदर जैसे पत्नी मेघनाथ जैसे बेटा सोने की लच्छा पा करके भी सुखी नहीं हुए। लेकिन हम क्या सोचते हैं ज्यादा पैसा कमा करके ना बढ़िया बीवी शादी करके और दो चार बच्चे सृष्टि करके साथ शांति मिल जाएगी, बोले प्रभु जब तक तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी, थोड़ा नीचे उतरो, थोड़ा जीवों को सेवा दो। बोले तो मैं वैकुंठ में हूँ ना, बोले वैकुंठ जी ने देखा सुना वैकुंठ देखा नहीं, बोले थोड़ा नीचे उतरो, बोले मैं रमा वैकुंठ, बोले रमा वैकुंठ कौन देखा, बोले स्वर्ग में भी हूँ, बोले स्वर्ग तो सब सुने हैं लेकिन स्वर्ग देखा किसी ने, बोले जीव का हृदय में मैं परमात्मा रूप में भी हूँ, बोले प्रभु वहां पर रहने पर भी आप तटस्थ रूप में हो, हैं? आप तटस्थ रूप में हो उसमें, इसलिए प्रभु नीचे थोड़ी सी उतर। बोलने पर भगवान स्वयं ये जो ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं, ये जो विग्रह दर्शन कर रहे हो नारद जी, बोलने पर भगवान स्वयं ये ठाकुर जी रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। इसलिए अभी अभी संजय प्रभु कह रहे थे ना ये महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं क्या कहते हैं, विग्रह न तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो विग्रह नहीं तुम साक्षात भगवान हो।
भाई उनने साखी गोपाल का उदाहरण दिया ना, जो साखी गोपाल जी साखी देने के लिए पुरी आए, अभी राजा रानी ये भी देखने के लिए आए, वे ठाकुर की वृंदावन से चलते चलते आए। बड़े आश्चर्य की बात है, रानी इतने में देखा, रानी को पास में ये हीरे की एक बेसर था, हीरे की एक बेसर, वो सोच रही है अगर ठाकुर जी के नाक में छेद होता है ना, ये हीरे की बेसर भी मैं पहना देती, वो ये सोच करके चली गई। लेकिन जो रात को सोई ना, ठाकुर जी स्वप्न दिए, बोले महारानी तुम्हारी इच्छा मेरे नाक में सोने की बेसर पहनना है, पहनना है। हाँ, बोले मैं जो बच्चा था छोटा काना, उसी समय मेरी मैया ने नाक में छेद कर रखी थी, कान में भी छेद है, नाक में भी छेद है, तुम्हारी इच्छा है ना नाक में बेसर पहनाने के लिए, आकर के देखो वहां से मिट्टी को हटाना, अभी भी छेद है। रानी बोली, राजा को उन्होंने उठाए, ऐसे ऐसे स्वप्न देखा, बोले चलो सोने की बेसर लेकर के आए, तो देखा ठाकुर का नाक में छेद है, अभी भी वो हीरे की बेसर ठाकुर का नाक में पहना हुआ। अभी साखी गोपाल को अकेले, पहले राधा रानी थी नहीं, लेकिन राधा के बगैर कृष्ण को कहां छेद पड़े, अभी राधा रानी कृष्ण को अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, अभी राधा रानी पुजारी की बेटी बन करके आई, अब कृष्ण क्या करते, घर में नहीं सोते हैं, वो जाकर उसको बेटी को पास में रात में बिताते हैं। इतने में सवेरे क्या हुआ, एक दिन पुजारी खोलने के लिए दरवाजा आए, नियम है जब दरवाजा खोलो ऐसे नहीं झट मत खोलो, ताली बजा करके घंटा बजा कर खुलनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने बेल बजाए ना, ठाकुर तो वहां पर था ही नहीं, वो तो उसको बेटी को पास में सो रहे थे। इतने में जो घंटी बजाए, ठाकुर जी बोले मैं तो मंदिर पे है नहीं, मैं तो उसकी बेटी के पास में सो रहा हूँ। इतने में साखी को पास जल्दी जल्दी भागते आए, और आते समय सोने की बंसुरी छोड़ लेके आ गए, और जो पुजारी ने दरवाजा खोला, ठाकुर के हाथ में सोने की बंसुरी नहीं देखा, उनने हल्ला मचा दिया, ठाकुर की सोने की बंसुरी कहीं चोरी होगी, सियाट भी लगा दिया, देखा उसको बेटी के घर में मिली। राजा बोले तू चोरी करके हल्ला मचा दिया, उसको जेल में बंद कर, उसको अब उसको तो जेल में बंद कर दिया। अभी साखी गोपाल सोच रहे भैया मेरे ससुर साहब तो जेल में बंद हो गए, चोरी तो मैंने की और ससुर जी बंद हो गए जेल में। इतने में ठाकुर स्वप्न दिया, बोले देखो ऐसे ऐसे हारून ने सारी घटना बताए, मैं अकेले तो खड़ा कर दिया, राधा रानी तो है नहीं, राधा के बगैर तो मैं आधा हूँ, अभी मैं जाकर उसका बेटी है ना, और मेरी राधा उसको बेटी बन करके आई है, मैं रोज जाकर उसको बेटी के पास में सोता हूँ, इसलिए मेरे हाँ जितने सब सोने हीरे की जितने गहना सब ले जाओ, लेकिन तो बच्ची को दुल्हन की मिलाओ, पालकी में बैठाओ, और गाजा बाजा का साथ मिलाओ, और मेरे से शादी कराओ। अभी उन्होंने वो बेटी को दुल्हन बना करके लाए, जब अंदर में प्रवेश कराए ना, दरवाजा बंद हो गया, खोल कर देखा ठाकुर नहीं थे, ठाकुर है ही नहीं, इसलिए सनातन गोस्वामी स्वयं बोलते थे ठाकुर थोड़ा नमक दो, बगैर नमक से गले से नीचे उतरता नहीं, इसलिए ठाकुर जैसे नहीं, इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तो नाचते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तो, हाँ इसलिए जो विग्रह है वो साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, बोलते चलते खाते उठते बैठते सब कुछ ठाकुर जी करते हैं, लेकिन किसके लिए करेंगे, भगवान भक्त के लिए करते हैं। इसलिए ये ठाकुर जी को पास में हम लोग आए हैं, और श्री गौरदास पंडित जी को पास में महाप्रभु का परिकर है, यहाँ पर सबके सब आए, नवद्वीप परिक्रमा करने से पहले आए, क्योंकि जब तक भक्तों का कृपा नहीं होना तब तक हम लोग नवद्वीप परिक्रमा सही नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ये ठाकुर जी को दर्शन करो। हाँ, यहाँ पर विशेष और दो चीज है, यहाँ पर महाप्रभु अपना हाथों से गीता के ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने वो गीता ग्रंथ भी उन्होंने महाप्रभु के हैंड राइटिंग है उन्होंने गौरदास पंडित को दिया था, अभी भी वो गीता यहाँ पर अभी रखा हुआ। और महाप्रभु जो पार करते थे, जो चाप से पार करते है ना, क्या तो क्या बोलते हो चाकू में, उस समय महाप्रभु गौरदास को पंडित को दिया, बोले गौरदास मैं तुमको ये चाकू दे करके जा रहा हूँ, तुम जीवों को भवसागर से, तुम जीवों को तुम पार करना भवसागर से। इसलिए यहाँ पर बहुत यहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद सारे भक्तों का यहाँ पर चरण धूलि पड़ा हुआ है, हाँ ये स्थान उनकी चरण धूलि को द्वारा संपूर्ण अभिषिक्त ये स्थान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ का चरण धूलि लगाओ और प्रार्थना करो, एक दिन महाप्रभु का लीला हमारे हृदय में प्रकाशित हो। सूर्यदास सर्कल थे, दो पत्नी।
जाह्नवा और वसुधा जिनको साथ में सिर्फ नित्यानंद प्रभु का शादी हुई, ये पीछे उनका स्थान है। हम लोग वहाँ कथा नहीं सुनेंगे, केवल वहाँ दर्शन करके, वहाँ विवाह मंडप भी है और दर्शन करके और सीधा जा करके हम लोग गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि सबको सवेरे से भूख लग रहा है। मैंने कोशिश कर रहा था वहां से प्रसाद मंगाने के लिए, शांतिपुरी जहां पर जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोले हमारे साथ, मैंने कहा कितना भक्त है, मैंने कहा हमारे साथ में 300 ऊपर भक्त है, बोले केवल 150 लोग हमारे पास रजिस्टर किया, उससे भी कम व्यक्ति है, अब साथ में 300 व्यक्ति, हम कहां से प्रसाद देंगे, रजिस्टर किया नहीं, इसलिए जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया ना, हम लोग रजिस्टर जरूर कर लेना, ठीक है, नहीं तो प्रसाद भेज नहीं आ रहा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।